अस्सलाम वालेकुम। हम इस लॉकडाउन के अंदर आए हुए हैं नारान, जो कि बिल्कुल वीरान पड़ा, खाली होटल वगैरह सारे बंद हैं यहाँ के, और ये जो सिर्फ मुकामी लोग हैं ये कुछ पी रहे हैं। और मेरे साथ जुनैद भाई हैं। भाई कोई अपडेट दें। भूख बहुत लगी है, नाश्ते वाली दुकानें बंद हैं, नाश्ता ढूंढेंगे फिर अपडेट दे सकेंगे। फिलहाल तो अंदर शुरू ख़त्म हुआ हुआ है। ये मास्क सिर्फ शहर में पहनना है, वैसे बाहर तो कोई ज़रूरत नहीं है, और भाई को तो वैसे ही ज़रूरत नहीं है कोई मास्क की, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मुकामी लोग हैं, कुछ लोकल वगैरह कोई टूरिस्ट वगैरह नहीं है, तो इसलिए सिर्फ शहर में हमें कुछ एहतियात करनी है। बेस्ट क्वारंटाइन प्लेस पूरे पाकिस्तान में, इससे अच्छी कोई नहीं। आपको पीछे से जीप वाला उठा देगा, थोड़ा साइड पे हो जाए। लाइट इस वक्त पूरे नारान में नहीं है, तो अभी हमने यहाँ पे इस होटल पे मोबाइल चार्जिंग पे लगाए हैं और पावर बैंक वगैरह, और ना यहाँ पे नेटवर्क आ रहा है। सिर्फ टेलनार का था, वो भी सिर्फ रात में, और दिन में वो भी खत्म। तो अभी हम यहाँ से निकल के नाश्ता करेंगे, क्योंकि भूख बहुत लगी हुई है। दोस्त ऐसे भी होते हैं जो नहाते नहीं हैं पूरे नारान में, सिर्फ बालों पर पानी पी के जो है पंगा कर लेते हैं। ये देखें, होटल्स वगैरह सारे बंद हैं, कोई एक दो शॉप खुली हुई हैं यहाँ पर, वो भी सिर्फ मुकामी लोगों के लिए। ये मेरे पीछे जो दरिया आ रहा है ना, ये सैफ अल मलूक से आता है वहाँ से, और यहाँ आके दरिया के बाहर में गिर जाता है इस जगह से। आइए आपको ये देखें जी, साफ़ सुथरा नारान। जब तक यहाँ पे टूरिस्ट नहीं होता तो ये इसी तरह का जो है ना बिल्कुल साफ़ होता है, और जैसे ही टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे वो इतना गंद मारते हैं। यार कुछ ख्याल किया करो, आप जो चीज़ अपने साथ लेके आते हैं उसको वैसे ही वापस भी ले जाया करें, किसी चॉपर वगैरह में डाल के। अगर आप कुनहार का मज़ेदार सा व्यू देखना चाहते हैं तो पीछे आ जाएँ, जहाँ पर दोनों दरिया मिलते हैं आपस में, वहाँ से थोड़ा सा राइट साइड पर आ जाएँ, और यहाँ पे आके इन पत्थरों पे बैठ जाएं और देखें ज़रा इस तरफ को। ये जी, हमने मास्क उतार दिया, क्योंकि अब हम इस जगह पे हैं जहाँ पे कोई बंदा बशर, कोई टूरिस्ट, कोई मुकामी लोग भी नहीं हैं। और ये जगह, उसी जगह से अगर आप ओवर राइट पे आ जाएं तो आगे आके ये पुल आता है, और यहाँ पे सीन्स इतने मज़े के हो जाते हैं ना कि यार एंड हो जाता है। आए आपको भी दिखाते हैं। हेलो जी, आधे घंटे से बारिश जा रही है और मौसम बहुत प्यारा हो गया, और सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब जो है ना कपकपी तारी हो गई है, और आप देख सकते हैं कि मौसम बहुत ही खूबसूरत, हवा चल रही है फुल ठंडी, और हम यहाँ पे जो है ना फंस गए हैं। अब हम यहाँ से जा नहीं सकते, तो ये दरख्त का साया, इसके नीचे बैठे हुए हैं हम, मतलब साया से मुराद कि यहाँ इसके नीचे बारिश नहीं आ रही, और अभी जैसे ही बारिश रुकेगी फिर हम यहाँ से जाएँगे वापस होटल। ये अभी आपने जो ड्रोन शॉट देखे हैं ना, ये नतीजा निकला उनका, ये गिम्बल टूट गया इसका, ये इस बिल्डिंग से गिरा और यहाँ नीचे गया, ये देखें आप कितना नीचे। तो ये बस उसमें लगा है, वो जो सामने लिफ्ट लगी हुई है उसमें ये लगा है, मुझे नहीं पता ये क्यों लगा, हालांकि मैंने तो मतलब कोई बटन भी प्रेस नहीं किया था, खुद ही कोई इशू हुआ है यहाँ पर, GPS का इशू है, तो ये गिरा और ये टूट गया बेचारा, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है।
ये था हमारा आज का व्लॉग। आपने देखा कि नारान सारा बंद है, कोई जो है ना टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आ सकता। तो आप भी इस तरह की कोई ट्राई ना करें, क्योंकि रास्ते में जो है ना हर चौकी पे 10 से 15 पुलिस वाले खड़े होते हैं और वो फुल चेकिंग करके फिर आगे आने देते हैं। तो आप घर में रहिए, अपना ख्याल रखिए और दुआ कीजिए कि हम इस जो है बीमारी से जल्दी निकल आएँ और फिर ये सारी जो रौनकें हैं पाकिस्तान की ये बहाल हों और टूरिज़्म ओपन हो हमारा और लोग ये मज़े मज़े के सीन्स देखें। अगर आपका टूरिज़्म के मुतल्लिक कोई सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे कहीं भी आप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।